पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तराखंड राज्य में ब्लैक फंगस को अब महामारी घोषित कर दिया गया है। शनिवार को इस संबंध में उत्तराखंड शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सरकार कोविड की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को भरण पोषण के लिए हर महीने 2,500 रूपए देगी। इसके अलावा बच्चों को सरकारी आवासीय स्कूलों में फ्री शिक्षा और राशन दिया जाएगा। बच्चों के वयस्क होने तक इनकी पैतृक संपत्ति को कोई खुर्द न करे, इसके लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। चंपावत में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पूरम कठायत का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला महामंत्री विकास शाह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया। संचालन युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सूरज प्रहरी ने किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरन कठहत का माल्यार्पण कर स्वागत किया। पूरन कठहत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा उन पर जो विश्वास जताया है वह पूरी निष्ठा से साथ निभाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री जोशीमठ के उर्गम घाटी के क्षेत्रों का, जहां भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अन्य समस्याएं बढ़ी है, का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही घाटी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री धन सिंह ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में वायरल बुखार भी तेजी से पांव पसार रहा है और कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक ग्रामीण अपना कोविड टेस्ट अवश्य कराएं। देखिए, ये 9वें हॉस्पिटल में आ रहा हूँ और मैं जिला प्रशासन का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी और विशेषकर अपने जितने भी मेडिकल के लोग हमारे काम पे लगे हैं, बहुत अच्छा काम सब लोग कर रहे हैं। और अब चमोली जिले में हमने ये टारगेट रखा है कि आगामी कल से लेकर 10 दिन तक हम घर घर दवाई देने का काम भी करेंगे। और जो जो भी स्वास्थ्य विभाग में दिक्कतें थी वो भी हमारी सरकार ने सॉर्ट आउट कर दी है, चाहे डॉक्टर्स की रही होंगी, चाहे नर्स स्टाफ की रही होंगी, चाहे हमारे ऑक्सीजन की दिक्कत रही होगी, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात रही होगी। हमने हर मोर्चे पे काम किया है और अब मेरा एक ही आह्वान है लोगों से कि भाई लोग अपने भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहें। बक्सर के पथरी पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत दिनारपुर कलाल का डेरा के जंगलों में छापा मारकर अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को नष्ट किया। आपको बता दें कि पथरी क्षेत्र में शराब का कारोबार अपनी चरम सीमा पर लगातार जारी है। इसी के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिनारपुर कलाल के डेरे में जंगलों में अवैध कच्ची शराब बना रहे दो अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही लगभग 5,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। पुलिस की कार्रवाई देखकर कच्ची शराब बनाने वाले लोग भागने में कामयाब भी रहे। पुलिस फरार आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। द्वारा आदेशित किया गया है कि अवैध कच्ची शराब और नशे के विरुद्ध में निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी। उसी के क्रम में अलावलपुर, दिनारपुर, कलार का डेरा और सत्तों के पीड़ से सटे हुए क्षेत्रों में संभावित ठिकानों को पता किया गया। जो विशेष दस्ते का गठन किया गया है उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें दर्जनों भट्टियां और लाहन को हमारे द्वारा नष्ट किया गया है। रामनगर में कल फ्रंटलाइन के कार्य कर रही पुलिस बल को जनपद के एसपी पुलिस जगदीश आर्य द्वारा फेस शील्ड बांटी गई। वहीं एसपी जगदीश आर्य ने बताया कि अनुज रावत द्वारा पुलिस को 1,00,000 की सहयोग राशि प्रदान दी गई है, जिसके तहत फ्रंटलाइन में कार्यरत रामनगर पुलिस बल को फेस शील्ड प्रदान की गई। जिस तरह से हमारे क्षेत्र में जो बीमारी चल रही है, तो हमने सोचा कि हम किस तरह से जो हमारी पुलिस है, जो हमारे क्षेत्र की जो पुलिस है 24 घंटे किस तरह उनको हेल्प कर रही है, तो उनकी तरफ हम अपना क्या योगदान दे सकें, तो इसलिए हम सर के पास गए कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। तो उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ अंडर कंट्रोल है क्षेत्र में, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा हो। तो हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि आप 24 घंटे हमारे लिए, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके हमारी तरफ से जो जेस्चर है छोटा सा तो स्पेशल का वो दिया गया। कोतवाली में आज अनुज, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए क्रिकेटर है और स्थानीय यहाँ रामनगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा और उनके परिवार के द्वारा यहाँ पे कोतवाली रामनगर को 1,00,000 रुपए के जो फेस शील्ड है वो प्रदान की गई है। ये हमारे लिए बहुत भावपूर्ण है, जहाँ नैनीताल की पुलिस इस समय पूरे अपने शिद्दत के साथ कोरोना संक्रमण में लोगों की मदद कर रही है। ऐसे समय पर हमें अनुज क्रिकेटर की ओर से सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। हमें उम्मीद है कि जो ये फेस शील्ड उन्होंने दी है, ये संक्रमण से बचने के लिए हमारी पुलिस कर्मियों को इसमें मदद मिलेगी और हम अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल द्वारा पहाड़ बचाओ मसूरी बचाओ मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर उनके द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर पिछले 2 सालों से हुए चौड़ीकरण के बाद हुए घोटाले के साथ मसूरी देहरादून मार्ग गोली पावर हाउस के पास पहाड़ का एक पूरा भाग को भूस्खलन की जद में जोड़ दिया गया है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ से हो रही भूस्खलन के कारण कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। मनीष गोनियाल द्वारा एसडीएम मसूरी के माध्यम से प्रिया सिंह रावत को
ज्ञापन भेजकर मसूरी देहरादून मार्ग के चौड़ीकरण में हुई धांधली की विस्तृत जांच की मांग की है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो ये कार्य कराया जा रहा था 1.5 साल से, और उसमें 2 ही दिन की बारिश में इतना क्षतिग्रस्त रोड हो गया है कि यहाँ के हाल इतने बुरे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत लंबी दुर्घटना हो सकती थी। उसी प्रकार से मैंने SDM को एक ज्ञापन दिया है कि मुख्य सचिव के उसमें, पर्यावरण वन मंत्री के उसमें एक ज्ञापन दिया है सांसद के लिए, और माननीय विधायक जो अभी सिटिंग विधायक है उनके उसमें ज्ञापन दिया है मैंने। और दूसरा मैं ये चाह रहा था, जैसे बाहर से हमारे लाखों की संख्या में जो विदेशी आते हैं हमारे उसमें यहाँ का उत्तराखंड मसूरी का जो नाम ही मसूरी, उत्तराखंड नाम से मसूरी जानी जाती है, उसमें क्या वो आगे अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि यहाँ का विकास किस इस तरह से, यहाँ विकास नहीं विनाश का काम हो रहा है। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि आने वाले समय में बारिश होने वाली, लंबी बारिश हो रही है, उसमें दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ के कोरोना महाकाल वैसे चल रहा है और यहाँ कोई इलाज के लिए कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है मसूरी के अंदर। यहाँ का हाल बदहाल है। निर्माण विभाग द्वारा जो ठेकेदार को मनपसंद हमें चाहिए थे ठेकेदार को जो टेंडर दिए गए हैं, तो उसमें बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। इसमें जो पत्थर निकले, पत्थर भी बिके हैं इसमें से, और इसमें से जितनी कटिंग इनको पहले पुस्ता लगाना चाहिए था उसके बाद इन्हें कटिंग करनी चाहिए थी, पर इन्होंने कटिंग इसी बड़े दाग से कर दिए कि पूरा पर्यावरण इन्होंने खराब कर दिया। पहाड़ परिवर्तन समिति की टीम प्रत्येक न्याय पंचायत में इंफ्रारेड टेम्परेचर मीटर, ऑक्सीमीटर, मास्क और अन्य जरूरी दवाओं के वितरण के कार्यक्रम में कल बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक की गढ़सेर न्याय पंचायत के प्रत्येक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों का बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल चेक करने के साथ ही मास्क और जरूरी दवाओं का वितरण किया। कोविड महामारी के बीच स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इन व्यवस्थाओं में कितना सुधार लाया जा सकता है, इसी के दृष्टिगत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक सैनी ने जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार के साथ CIC थराली पहुंचकर अस्पताल व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। CIC आप लोग थराली के निरीक्षण के लिए, और निरीक्षण किया गया है उसमें SDM साहब द्वारा, डिविजनल ऑफिसर जो है और मेरे द्वारा, उसमें देखा गया कि काफ़ी अच्छे से जो है CIC को ऑपरेट किया जा रहा है। जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जो भी पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सभी इमरजेंसी मेडिसिन का पर्याप्त स्टॉक है यहाँ पर। जो भी प्रसव की ये रिक्वायरमेंट रहती है, डिलीवरी के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी पूरी तरीके से है, पर्याप्त मात्रा में है, साफ सुथरा जो है उसको रखा जा रहा है। और जो लोग हैं उसको ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर्स हों या पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो भी बाकायदा ट्रेंड है, सब प्रोटोकॉल्स को ड्यूली फॉलो करते हैं। जो भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब और SDM साहब द्वारा निरीक्षण किया गया है उसमें तो पूरी तरीके से संतुष्ट थे, और कुछ चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए उनके साथ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको जल्दी ही उनके कार्य करके उनको अपग्रेड किया। डिग्रीधारी लैब टेक्नीशियनों द्वारा अपनी सेवा नियमावली बनाए जाने और रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के लिए विगत कई वर्षों से प्रयासरत है, लेकिन राज्य बनने के 20 वर्षों के उपरांत आज तक इस संदर्भ में किसी भी सरकार द्वारा कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर अब डिग्रीधारी लैब टेक्नीशियनों ने अपने रिक्त पदों को निकलवाने और सेवा नियमावली बनाए जाने हेतु और अपनी बात को सरकार और आला अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, मंत्री सुबोध उनियाल और विशन सिंह चुफाल को पत्र दिया गया। इस मुहिम में आगे अन्य विधायकों और मंत्रियों को भी पत्र देकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोरोना काल में फ्रंटलाइन में काम करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर सहित अन्य जरूरत का सामान वितरित किए गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा कोरोना काल में फ्रंटलाइन में काम कर रहे लोगों की जान को बचाने में अहम भूमिका निभाने पर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्वच्छता कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग, पुलिस द्वारा फ्रंटलाइन में काम कर रहे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जागरूक कर कई लोगों की जान को बचाने का काम किया है। पब्लिक TV आपकी आवाज़।